देखें, फॉर लूप आपका हमने इस्तेमाल करना है। हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, हमने प्रोग्राम ये करना है कि राइट अ प्रोग्राम विच कैन कैलकुलेट द सम 1 + 2 + 3 अप टू 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक जितने भी हमारे पास जो इंटीजर्स हैं, या 1 से लेकर 100 तक जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, उन सब का सम हमने मालूम करना है, और फॉर लूप इस्तेमाल करके। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बाकी इस पर तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहां पर हम दो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। एक वेरिएबल तो इंटीजर टाइप होगा, मतलब वो वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल जो मैंने आपको फॉर लूप पे बताया था कि एक कंट्रोल वेरिएबल होता है, और एक सम कोई वैल्यू 0 लेंगे। सम की वैल्यू हमने 0 क्यों ली, ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूं, लेकिन आप पहले जरा इसकी तरफ देख लें। जरा आप इधर देखें तो ये जो आपको नजर आ रहा है, इसमें जो हमने ये लिया हुआ है, ये फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, और आई प्लस प्लस। अगर आपको याद हो, फॉर लूप में वे कंट्रोल वेरिएबल जो होता है, ये मैंने इस तरह आपको बताया कि आई जो है ये हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल है। फॉर लूप पे जो कंट्रोल वेरिएबल होता है, इसकी इसमें 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म क्या होती है, इनिशियलाइजेशन। उसमें वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, या उसको हम इनिशियल वैल्यू देते हैं। फिर दूसरे केस में होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब कि वो कहां तक जा रहा है, मतलब ये इनिशियलाइजेशन, फिर टेस्टिंग, फिर होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब जहां वो जा रहा है, आया उसमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। अगर इजाफा हो रहा है तो किस तरीके से इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है तो किस तरीके से कमी हो रही है, मतलब इंक्रीमेंट लग रहा है तो किस तरीके से लग रहा है, और डिक्रीमेंट लग रहा है तो किस तरीके से लग रहा है। तो यहां पर देखें, ये हमारे पास आई इज इक्वल टू 1, ये इसकी कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है। इसमें हमने वेरिएबल आई को इनिशियल वैल्यू दे दी है। ऑब्वियसली आई 1 से शुरू होगा, क्योंकि हमने सम जो मालूम करना है वो कहां से मालूम करना है, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स का सम मालूम करना है। तो आई की कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू 1 के बराबर होगी, ये इसकी इनिशियलाइजेशन होगी कि कंट्रोल वेरिएबल 1 से शुरू होता है। टेस्टिंग अब इसकी करनी है, तो देखिए कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। 100 तक जा रहा है, तो फिर जब ये 100 तक जाएगा, तो फिर मतलब ये हुआ कि ये आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब ये जो इसकी टेस्टिंग में क्या होगा कि ये कंट्रोल वेरिएबल 100 तक जा रहा है। ठीक है, मतलब आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, ये 100 के बराबर भी हो सकता है और 100 से कम भी हो सकता है, लेकिन जाएगा ये कहां तक, ये 100 तक जाएगा। फिर ये हो गई इसकी टेस्टिंग, मतलब ये हो गई इसकी आई इज इक्वल टू 1, इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, इसकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि इसमें जो इजाफा होता जा रहा है, ऑब्वियसली इजाफा हो रहा है कि 1 से लेकर 100 तक नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है, लेकिन कैसे इजाफा हो रहा है। आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि ये एक एक करके बढ़ता जा रहा है। देखें, मतलब 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब आई प्लस प्लस का ये मतलब है कि इसमें एक एक करके इजाफा हो रहा होता जा रहा है। तो इनिशियलाइजेशन में इनिशियल वैल्यू 1, टेस्टिंग में ये 100 तक जा रहा है, और इंक्रीमेंट इसमें जो लग रहा है वो एक एक करके लग रहा है। जब एक एक करके लगेगा तो हम आई प्लस प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर इस ब्रैकेट में हम ये करेंगे कि वो फॉर्मूला डिफाइन करेंगे सम को। अब देखिए, हमने 0 इसलिए दिया है कि सम, चूंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसलिए इससे हम जो भी नंबर ऐड करेंगे ऑब्वियसली वही नंबर आता है। तो इसलिए जब हम सम को बराबर लेंगे 0 + i, तो i की वैल्यू जब 1 होगी तो ये 1 मालूम करेगा, 0 + 1 मालूम कर देगा। जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये 0 + 2 मालूम करेगा। ठीक है, 0 + 1 + 2 मालूम करेगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो फिर ये 0 + 1 + 2 + 3 मालूम करेगा। जब आई की वैल्यू 100 होगी तो ये 0 + 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक ये मालूम करेगा। ठीक है, तो ये देखें, मतलब इसमें अगर हमने एक स्टेप को रिपीट किया तो वो हमें 100 टाइम्स रिपीट करना होगा। अगर ये फॉर लूप ना होता तो हमें इस स्टेप को 100 टाइम्स रिपीट करना पड़ता है सी प्लस प्लस में, क्योंकि यहाँ पर हमने आई को 1 से स्टार्ट लिया और 1 से हम एक एक करके 100 तक आ रहे हैं। तो अगर ये फॉर लूप ना होता तो हमें ये स्टेप 100 मरतबा लिखना पड़ता, लेकिन फॉर लूप की वजह से हमने ये जो अंडरलाइन स्टेप है ये हमने सिर्फ एक मरतबा लिखा है। जब हमने एक मरतबा लिख लिया, अब हमने इस फॉर लूप को बंद कर दिया, तो ये वाला प्रिंट एफ फंक्शन हमें 1 से लेकर 100 तक का सम इंटीजर डेटा टाइप में बता देगा। इसको हम क्या करते हैं, जरा इस में भी कर लेते हैं, सी प्लस प्लस में कर लेते हैं।
तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक तैयार प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ ताकि उसी में मैं थोड़ी एडिटिंग कर लूँ। ये जो गेट फंक्शन है और ये हेडर फाइल्स वगैरह, ये पहले से उसमें हमारे पास मौजूद होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर पिछले किसी प्रोग्राम की बातें जरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और प्रोग्राम क्या है, लिखना क्या है, अब ये मेन फंक्शन के बाद इंटीजर आई कॉमा सम इक्वल टू जीरो। तो इंटीजर आई कॉमा सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर फॉर लूप हम स्टार्ट लेंगे करेंगे, तो फॉर और ब्रैकेट, देखिए आई इनिशियल वैल्यू वन, आई की इनिशियल वैल्यू वन, इनिशियलाइजेशन वन। फिर टेस्टिंग, तो सेमी कॉलम आई इज इक्वल टू वन के बाद लिखें कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 100। फिर सेमी कॉलम और आई प्लस प्लस, और जरा कर्ली ब्रैकेट डाल दें और इसमें लिखें कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर दें, इन बाकी चीजों को मिटा दें। अच्छा, उसके बाद क्या आया कि प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंट डी, सम इक्वल टू परसेंट डी और कॉमा सम, ठीक है जी। और बाकी बस प्रोग्राम कंप्लीट है। अब इसको सबसे पहले सेव करना है, तो सेव मैं फर्स्ट करने इसको कर लेता हूं 6 जनवरी के नाम से, 6 जनवरी। सेव कर लिया, कंपाइल कर लेता हूं सबसे पहले। इसने बता दिया कंपाइलेशन मतलब प्रोग्राम ठीक लिखा है, ओके है, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको रन कर लेता हूं, तो देखिए 50-50 मतलब 1 से लेकर 100 तक जब आप कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को या नेचुरल नंबर्स को जमा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 50-50, 5050 आएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास पहला प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम कि राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 101 to 100 एक्सक्लूडिंग मल्टीपल ऑफ 7। इसमें ये कह रहा है कि आप 1 से लेकर 100 तक तमाम जो इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर हैं वो शो करें, लेकिन उनमें से 7 की मल्टीपल्स निकाल दें। 7 की मल्टीपल्स मतलब 7 हो गया 14, 21, 28, मतलब 7 के टेबल बस इसमें से निकाल दें। 1 से लेकर 100 तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं उसमें 7 के टेबल क्या कर दें, निकाल दें, सही है जी। तो इस प्रोग्राम को देखें, बाकी तो इसमें अब एक ही कंट्रोल वेरिएबल होगा, सम की भी कोई बात नहीं है, बस इंटीजर आई मैंने जिस तरह बताया कि कंट्रोल वेरिएबल है, पिछली क्लास में बताया था कि कंट्रोल वेरिएबल हमेशा इंटीजर डेटा टाइप का होना चाहिए। तो ये हो गया कंट्रोल वेरिएबल। इसमें भी उसी तरह कि 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा है इनिशियलाइजेशन में, टेस्टिंग में ये 100 तक जाएगा और एक एक करके इजाफा होता जाएगा, लेकिन इसमें हमने कंडीशन लगानी है कि इफ आई परसेंट 7 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1 से लेकर 100 तक वो नंबर्स प्रिंट किए जाएंगे जिनको अगर 7 पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर नॉन जीरो आना चाहिए। ये अगर आपको याद हो तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, परसेंट साइन हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर है। और ये फैक्टोरियल इक्वल टू का मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू, जब हमने नॉट इक्वल टू सी प्लस प्लस में लिखना हो तो हम फैक्टोरियल और इक्वल टू लिखते होते हैं। इसका मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू मतलब 1 से लेकर 100 तक वो तमाम नंबर्स आप लोग प्रिंट करें। ये प्रिंट एफ फंक्शन 1 से लेकर 100 तक तमाम इंटीजर्स या नेचुरल नंबर प्रिंट करेगा, लेकिन उनमें से वो तमाम इंटीजर्स एक्सक्लूड कर देगा जिनको अगर 7 पर डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, वो तमाम इंटीजर्स एक्सक्लूड किए जाएंगे। या सिंपल अल्फाज में ये प्रिंट एफ फंक्शन 1 से लेकर 100 तक उन तमाम नेचुरल नंबर को शो करेगा जिनको अगर 7 पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर नॉन जीरो आया हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हम जरा कर लेते हैं, को भी मैं कॉपी पेस्ट कर लूं दूसरा एक प्रोग्राम में कर लूं। अच्छा, इसमें अब क्या चेंजेस हमने करनी है कि इंटीजर सम नहीं है, बाकी तो वैसा ही है हमारे पास। इस कर्ली ब्रैकेट को चलो मैं हटा देता हूं, यहां पर इतनी जरूरत नहीं है। और इफ कंडीशन यहां पर लगानी है कि इफ आई परसेंट 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल इक्वल टू 0, और प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा, वो तमाम इंटीजर शो कर देगा आई इज इक्वल टू परसेंट डी में, वो तमाम इंटीजर्स प्रिंट कर देगा लेकिन इंटीजर डेटा टाइप में।
इसको भी जरा सेफ, इसमें देखिए थोड़ी सी बस मैंने एडिटिंग की, तो आप देखें मैंने प्रोग्राम एकदम से लिख लिया, तो जरा इसलिए हमें ये पिछले प्रोग्राम सेव रखने चाहिए, इसलिए भी डिलीट इनको नहीं करना चाहिए। तो अनटाइटल बस इसको मैं 6 जनवरी 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। सेव कर लिया मैंने, कंपाइल कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, रन कर लेता हूँ। तो देखें 1 i = 1 i = 2 i = 3 4 5 6 फिर 7 नहीं शो किया, 6 के बाद 8 आया, 8 9 10 11 12 13 14 नहीं शो किया, 14 के बाद 15 आया, मतलब 7 के मल्टीपल्स इसने नहीं शो किए, बाकी सारे नंबर्स इसने क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए, शो कर दिए। ठीक हो गया जी। तो यही हमारा आज का प्रोग्राम था, आज का मुख्तसर सा लेक्चर था।